गेठी, कुछ इस तरह से हमारी पहाड़ी गेठी होती है। आपने खाई होगी कभी, कमेंट में ज़रूर बताना। तो दगड़ियों सभी दोस्तों को प्रणाम। पहला मैं वीरू मंडराल आपके बीच फिर से एक नया ब्लॉग लिख के प्रस्तुत हूँ। सो दगड़ियों, आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल तो मैं भी ठीक हूँ। और इसी के साथ मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत की है दिन के 12 बजे से। और अभी तोड़े हम पहाड़ी गेठी, आपने नाम सुना होगा। और कितनी औषधीय मुक्त गेठी की सब्ज़ी, इतनी टेस्टी होती है। और कितने प्रोटीन पदार्थ एवं औषधीय पदार्थ गेठी में उपलब्ध रहते हैं। और इसी के साथ अगर ये हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पहाड़ी गेठी कैसे होती है और हम कैसे तोड़ते हैं पेड़ों में से। कुछ इस तरह से इसकी बेल होती है, ये रखी है मम्मी ने यहाँ पर, ऐसे बेल टाइप में होती है। और ये है हमारी पहाड़ी गेठी, कुछ इस तरह से हमारी पहाड़ी गेठी होती है। आपने खाई होगी कभी, कमेंट में ज़रूर बताना। कितनी टेस्टी होती है। और अभी बहुत सारे तोड़ने हैं इधर साइड से। और इसके साथ मम्मी तोड़ी रही है यहाँ पर। मम्मी का तो हरी आए, अभी तो हो ही रखे हैं बहुत। इसके साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम तोड़ते हैं पहाड़ी गेठी पेड़ में। गेठी ये सब असोज के महीने का है। और जैसे ही असोज ख़त्म होता है वैसे ही इनकी प्रक्रिया भी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। इन्हें भी हम निकालना शुरू कर देते हैं। और यह है इसकी बेल, इसको मैं खींचता हूँ। कुछ इस तरह से लिपटी होती है ये, और कुछ इस तरह से गेठी ये हो रखी है, यहाँ हो रखी है। अभी सब तोड़नी है अभी थोड़ी देर में। और ये इसको ऐसे खींचेंगे तब ये टूटेगी। अभी यहाँ भी है, तो इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं करता हूँ काम। बेल को खींचते समय ये सारे गेठी नीचे गिर चुके हैं। A few moments later. So, दगड़ियों फाइनली हम चले गए ग्वाला। अम्मा आई हुई है यहाँ पर खेत साफ करने के लिए। हाय अम्मा। फाइनली दोस्तों यहाँ पर ट्रैक्टर गेहूँ बोने लग गया है पहाड़ों में। और गेहूँ बो रहा है ट्रैक्टर यहाँ पर हमारे। और अम्मा ने भी यहाँ पर बहा दिया है और यहाँ पर डेल फोड़ रही है। हेलो अम्मा जी, ये हमारे ट्रैक्टर के करेंगे। अंकल जी आए हुए हैं। ऐसा है साहब, जो हमारा वो पानी का चक्कर है ना, जो सुबह का, और उसको हम उत्तराखंड गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं, साथ में केंद्र को भी। अच्छा, नल घर का चक्कर योजना लाए हम सुबह अदा करते हैं सारे गांव के इलाके के। और वहाँ का जो व्यवस्था है वो चरम सीमा पर सही नहीं चल रही, इसलिए सही नहीं चल रही है। सुबह पता क्या होता है, एक डेढ़ घंटा पानी चलता है। हाँ। लोगों के बाद उनके पास झगड़े होते हैं, पांच सात वो भर लेते हैं, बाकी वेस्ट हो जाता है। हाँ। अगर तो आधा घंटा वेस्ट चलता है पानी। हाँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि उसमें आधे घंटे को वो शाम को उसको रिलीज कर दिया। ये भी सही व्यवस्था बनी रहेगी। अगर वो वेस्ट जाता है तो इतना बड़ा महंगा पानी है ये हमारे बस का पानी नहीं है। पहले हमारे पुरुषों से बैठा पानी नहीं थी, हालांकि उन्होंने के पाना हमारे और हमारे चंदा यहाँ पर बैठे हुए हैं। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ चक्की में और मैं जा रहा हूँ सरसों लेकर।
और इससे निकालेंगे हम तेल। और जैसे कि अब दशहरा आ रहा है, उसके लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही लोग बाग रोज़ यही चक्की मारकर आटा वगैरह कूटते हैं। और चाचा जी हमारे, मैं लाया हूँ सरसों और राई। हाँ राई, नहीं तो मैं तोल रहा हूँ। इसे बोलते हैं तराजू, और इसी में सब चीज़ें तोली जाती हैं। छः किलो ये है सरसों, सारे 13 किलो सरसों हो गई है। चाचा जी अच्छा सा तेल निकाल देना एकदम, वन दशहरा के लिए चाहिए हमको। हाँ, और लिख भी दो। और चाचू की चक्की कुछ ऐसी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संपर्क करें, कांटेक्ट करें। ये हमारे यहाँ धान की चावल भी मिलते हैं यहाँ, और यहाँ चावल भी बिका हुए हैं। किसी को चावल चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ये देखो मिनी मशीन, छोटी मशीन है, ये नई आई हुई है, और इसमें चावल एकदम साबुत आ रहे हैं, बिल्कुल साबुत आ रहे हैं। और किसी को चावल की ज़रूरत हो तो बताना। इस डब्बे में पहले गेहूं, चावल वगैरह रखे जाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे करके सीधे मशीन के ज़रिए यहाँ आटा आता है। फाइनली हमारी अम्मा यहाँ पर कर रही है, गेहूं बो दिए इन्होंने आज, और नई फसल तैयार हो गई। और अम्मा को कैसा लग रहा है? 90 साल की बुढ़िया देखो पहाड़ में काम कर रही है। और वहाँ चाची भी है, ये हुई है चाची भी कर रही है, अम्मा की बहू हमारे पहाड़ में ऐसे ही है, क्या करूँ, पहाड़ के बुड्ढे बाड़े ऐसे होते। सो दोगड़ी भैंस आए हुए हैं यहाँ पर चरने के लिए। कुछ इस तरह से गोबर रखा जाता है पहाड़ों में। सो दोगड़ी फाइनली आ चुके हैं खेत में, जिस ट्रॉली से हमने कल गोबर रखा है, अब उसको ऐसे करके पूरे खेत में फीस देंगे। अम्मा ने यहाँ पूरे खेत साफ कर दिए हैं। अम्मा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा ने चमका दिए पूरे खेत अपने, अब गेहूं बोएगी अम्मा इसमें जल्दी। फाइनली कुछ इस तरह से पहाड़ों में ऐसे गोबर को पूरे खेत में फेंचा जाता है, जिससे सरसों वगैरह अच्छी जमती है और गेहूं भी अच्छे जमते हैं। इसे बोलते हैं पहाड़ी खाद। कंप्लीट हो चुका है खेत कुछ इस तरह से। सो दगड़ियों इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल। थैंक यू।